हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि योग शब्द आया कहाँ से। योग शब्द शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और संस्कृत में योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो अब हम किससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्रों में योग का जो वर्णन है वो है भगवान से जुड़ना, परम सत्य से अपने आप को जोड़ना। अब अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति जुड़ता है परम सत्य से। कोई किसी को परम सत्य सोचता है, कोई किसी को परम सत्य सोचता है। कोई बोलता है कि मैंने ये साक्षात्कार किया, कोई बोलता है कि मैंने ज्योति का अनुभव किया कि परम सत्य ज्योति है योग करते करते। अब हम ये देखेंगे कि भगवान के जो गीता में भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया उसके अनुसार योग का क्या मतलब है। तो भगवद गीता में सबसे पहले तो भगवान ये बताते हैं कि छठवें अध्याय में कि योग के लिए स्थान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बोले सुचो देशे, अर्थात तीर्थ स्थान में जाए, जंगल में, नदी के किनारे, शांत वातावरण, एकांत स्थान पर जाए। शहर में तो योग संभव ही नहीं है भगवान के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार। अब वहाँ पे जाए, वहाँ पे ध्यान लगाए, और यदि वहाँ पे दूसरा यदि व्यक्ति बैठा है ध्यान लगाने के लिए तो फिर वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चिंतन उसी व्यक्ति का होगा। तो बिल्कुल अकेला है उसमें, कोई मदद नहीं कर सकता उसमें, अकेले ही आपको ध्यान लगाना है एकांत स्थान में। और अब हम चर्चा करेंगे कि योगी अलग अलग कई प्रकार के योगी होते हैं। उसमें से कुछ योगी ऐसे होते हैं जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं योग के अनुसार, कुछ मैं जादू दिखा दूं, कुछ मैं बस में कर दूं, मिट्टी को सोना बना दूं, ऐसे बहुत सारे योगी हैं। एक बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में इलाहाबाद में थे। उनके कुछ शिष्यों ने बताया कि एक योगी आया है जो कि जल पे चल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि उससे पूछो कि कितने दिनों में सिद्धि प्राप्त की। तो शिष्यों ने पूछ के बताया कि तो योगी ने कहा कि 40 वर्ष में ये सिद्धि मुझे प्राप्त की। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो काम 50 पैसे से हो जाएगा नाव पर बैठ के, 40 वर्ष हम क्यों समय बर्बाद करें। तो अलग अलग प्रकार की योगी हैं, शरीर के लिए हैं, लेकिन वास्तविक जो योग है वो है आत्मा के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, परम सत्य से जोड़ना। अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या योगी ही सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं छठवें अध्याय के 46 नंबर श्लोक में कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, और फिर आगे कहते हैं ज्ञानीभ्यो अधिको मतः, कि ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ है मेरे मत के अनुसार योगी है वो, तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मभ्यश्च अधिको योगी, वो कर्मी व्यक्ति से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात योगी भव अर्जुन, भगवान कह रहे हे अर्जुन तुम योगी। अर्जुन तो गृहस्थ है, उनके लिए भगवान ये उपदेश दे रहे कि आप योगी बनो, योगी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब कौन सा योगी, कि पेट कमाने वाला योगी श्रेष्ठ है, या हिमालय की गुफाओं में जो सांस को कंट्रोल करके रहता है वो योगी श्रेष्ठ है, तो किसको हम श्रेष्ठ माने। तो सब योग अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, एक हिसाब से शरीर के लिए ठीक योग है, पेट कमाने वाला वो भी ठीक है, लेकिन जो वास्तविक योग का जो लक्ष्य है वो है परम सत्य को अनुभव करना, परम सत्य का साक्षात्कार। तो भगवद गीता में भगवान छठवें अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं कि बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम। अभी क्या बोले, इसके पहले श्लोक में बोले कि हे अर्जुन तुम योगी हो, लेकिन कौन सा योगी बोल रहे भगवान, योगी नाम अपि सर्वेषाम, सबसे श्रेष्ठ योगी, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतिर अंतरात्मना, जो अपने अंतर में हमेशा मेरा चिंतन करता है वो योगी क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। बाहर से कैसे समझेंगे हम उस योगी को, तो भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतिर अंतर श्रद्धावान भजते यो माम। क्या वो कुछ बोलता है योगी, नहीं बोलता है, तो भगवान कहते हैं आप बाहर से भी समझ सकते हो उस योगी को, क्या श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा भाव से मेरा भजन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम।
तमोमता, मेरे मत के अनुसार ये योगी सबसे श्रेष्ठ है। कौन योगी? जो श्रद्धा भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान की पूजा करता है, वो योगी श्रेष्ठ नहीं बोल रहे भगवान जो गुफाओं में रहता है, हिमालय पर्वत में सब कुछ छोड़ दिया, उसको श्रेष्ठ नहीं बोले। कौन? श्रद्धावान भजते यो माम, ये जो श्रद्धा भाव से मुझे मेरा भजन करता है वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें फैसला करना है कि हमें श्रेष्ठ योगी बनना है या नीचे वाला योगी बनना है। तो श्रेष्ठ योगी बनना है तो भगवान क्या बोले, श्रद्धावान ही भजते यो माम, समय युक्त तमो मता, मेरे मत के अनुसार ये योगी श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।